नमस्कार दोस्तों, मुंबई से यहां पर एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी को लेकर बड़ी जानकारी। यहां पर बताया कि कार से निकल रहे थे ऑफिस से, इसी दौरान बीच रास्ते में फायर कर दिया। 3 से 4 युवक आए और आरोपी फरार हो गए। इस घटना के बाद से यहां पर सलमान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जानकारी मिल रही है कि यहां पर शूटर गिरफ्तार हो चुके हैं, लॉरेंस गैंग के शामिल होने की आशंका है। सलमान की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। मुंबई के कूपर अस्पताल में यहां पर एनसीपी अजीत गुट के नेता, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी का पीएफ रिपोर्ट किया जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि यहां पर 5 डॉक्टर्स की टीम में वीडियोग्राफी भी की जा रही है। अब मुंबई पुलिस ने बाबा पर फायरिंग करने वाले 2 शूटर को गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक घटना के पीछे लॉरेंस गैंग का शामिल होने की आशंका है। शूटर्स ने पूछताछ में बताया कि वे पिछले 25 से 30 दिनों से उसे इलाके की रेकी कर रहे थे। तीनों आरोपी ऑटो रिक्शा से बांद्रा ईस्ट में शूटिंग और स्टॉप पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल मुंबई के बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल के पास शनिवार रात करीब 9:30 बजे के टाइम से बीच में अपने बेटे कांग्रेस विधायक जिसान सिद्दीकी के ऑफिस से बाहर निकले, तभी एक कार से 3 शूटर आए और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। आरोपी फरार हो गए। तीनों में से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी, 1 फरार है। तीनों के फोटो जारी किए गए। तमाम वीडियोज के लिए बन रही जय हिंदू।